गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडिबल? यस मैम। सो टुडे वी विल कंटिन्यू ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। सो इन दैट मेथड वी कैन मेक असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम एट लीस्ट वंस। नाउ इफ द असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल means let's see this problem, and the question here is a car hire company has one car at each of the five depots A, B, C, D and E. These are the depots here, and a customer requires a car in each town A, B, C, D and E. These are the towns here. Distance is given in kilometers. So between depot to origin, so you have to find we have to assign how can the car assigned to a customer so that the distance traveled will be minimum. So this is our question. यहाँ पर हमें assignment इस तरीके से करना है कि जो distance traveled हो by the car वो minimum होना चाहिए. Procedure इसका वही same रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन द फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ईच रो एंड सबट्रैक्ट दैट एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स. सो इन द फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर फर्स्ट रो में, विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो? कौन सा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो? माय वॉइस इज क्लियर मैम? 130। 130 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट. सो अगेन राइटिंग दिस गिवन मैट्रिक्स इन after subtracting. यहाँ पर देखो इसमें मिनिमम 130 है, इस वाले में मिनिमम 120 है, इसमें 110 है, इसमें 50 and in this one 35 is minimum. So subtracting 130 in the first row and we will get this is 30, 0, 45, 60 and 70. Now again 120 will be subtracted, so we get 15, 0, 10, 40 and 55. 110, so it's 30, 0, 45, 60 and 75. In the same way, this is 0, 0, 30, 30 and 60, and in last row, minimum is 35, so it's 20. 0, 35, 45 and 70. Now again the same thing will be applied on the column.
Now you see in this column, 0 is minimum, this is 0, 10 is minimum, 40 is minimum, and 55 is minimum. So after subtracting 0, the column will remain same. It's 30, 15, 30, 0, and 20. This is 0. No change. Now subtracting 10 from every element, so we get 35, 0, 35, and this is 20, and last one is 15. Subtracting 40 in this column, so it's 30, minimum is 30 here, so 30 ko subtract karna hai, so it's 30, 10, 30, 0 and 15, and now 55 ko agar hum subtract karte hai, so 15, 0, and 20, 5 and 15. So this is obtained after subtracting column smallest element in the column. Now in the next step, we have to make assignments, possible assignments. M? Yes. Yes. मैं third column में 15 की जगह 25 होगा ना? वहाँ पर इन द थर्ड कॉलम इस वाले में 15 की जगह यहाँ पर यस 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 मैम 25 फाइन ठीक है 25 होगा. अब हमें क्या करना है, असाइनमेंट्स करने हैं, और असाइनमेंट्स इस तरीके से करने हैं कि हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट पॉसिबल होना चाहिए. तो सबसे पहले हम रो वाइज स्टार्ट कर रहे हैं. जिस जहां पर भी हम असाइनमेंट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी जीरोस होंगे वो हमें कट कर देना है, क्योंकि हम वहां पर दोबारा से असाइनमेंट नहीं कर सकते. तो इन द फर्स्ट रो में सिर्फ हमारे पास पॉसिबिलिटी है इस वाले जीरो पे असाइन करने की, तो रिमेनिंग जितनी भी जीरोस होंगे आई एम गोइंग टू कट डाउन दीज जीरोस. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर और कोई जीरो नहीं है, इसी कॉलम में जितने भी जीरोज हैं मैं इनको कट कर रही हूँ. नाउ इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में जो पॉसिबिलिटी मेरे पास आ रही है वो ये वाली पॉसिबिलिटी है. तो मैं क्या करूंगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जीरो है यहाँ पर इसको कट कर दूंगी. सो यू सी दैट इस वाली रो में भी एक असाइनमेंट हो गया, इसमें भी एक असाइनमेंट हो गया, थर्ड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है मेरे पास. नाउ इन द फोर्थ रो, अगर मैं फोर्थ रो में इस पर असाइन करती हूँ, देन आई हैव टू कट डाउन दिस जीरो. और कोई जीरो अभी यहाँ पर नहीं है, इस वाली रो में भी कोई जीरो नहीं है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ तीन ही असाइनमेंट हो पा रही है, रो नंबर 3 में और रो नंबर 5 में कोई भी असाइनमेंट नहीं हो पा रही है. तो इस इट मींस यहाँ पर अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए मेरे को क्या करना होगा कि हर रो और हर कॉलम में क्वेश्चन इज कि हमें कार किस तरीके से असाइन करनी है कि वो कस्टमर तक पहुँचने पर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे. तो यहाँ पर असाइनमेंट क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पर हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, और वो लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए दैट इट मस्ट कवर ऑल द जीरोज. जितनी भी जीरोज यहाँ पर हैं कि उन लाइंस पे वो जीरो कवर हो जाने चाहिए. तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले उन रो को मार्क करना है जिस रो पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है. सो वी हैव टू रोज हियर, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 5, जिसमें मेरे पास असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो पाई है. सो आई एम गोइंग टू मार्क these two rows.
कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर, इन दिस स्टेप ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस necessary to cover all the zeros at least once. Necessary to cover all the zeros at least once. तो उस lines को draw करने के लिए first step is mark the rows which are having no assignments. यहाँ पर जो rows मेरे पास हैं, we have only two rows here जिन पर assignment नहीं हुई है, इसको मैंने mark कर दिया और row number fifth को मैंने mark कर दिया, ठीक है. अब इस इन दोनों rows के corresponding मेरे को देखना है कि यहाँ पर zeros किस में हैं. So you see that in the row third zero जो है column number two पर है, एंड इन द रो फिफ्थ जीरो जो है कॉलम नंबर फिफ्थ कॉलम नंबर सेकंड पर है. सो मार्क डेट कॉलम, सबसे पहले रो मार्क करिए जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है. उन दोनों रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पर भी जीरो होगा उस वाले कॉलम को मार्क करा गया है. अब उस कॉलम में जहां पर असाइनमेंट हुई हुई है उस वाले जहां पर असाइनमेंट हुई हुई है जिस भी कॉलम में, तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को मार्क कर देंगे. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप एंड दिस वन इज फोर्थ स्टेप. आई एम राइटिंग डाउन हियर कि हमने क्या करा है. सबसे पहले हमने क्या करा है यहाँ पे, आई हैव मार्क्ड row 3 and row 5 as they are having no assignments. No need to write down this in question में लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इस problem में जिससे आपको याद रहे, so I am writing down here कि हमने सबसे पहले mark row और mark फिफ्थ को मार्क करा है बिकॉज वहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है. इन द नेक्स्ट स्टेप में हमने करा है कॉलम टू हैविंग जीरोज इन रो थ्री एंड रो फाइव. तो इसलिए हमने इस कॉलम को मार्क कर दिया है क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ इसमें जीरो था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसमें जीरो था. नाउ इन द थर्ड स्टेप वी हैव मार्क रो वन, मार्क row 1 cause it contains assignment in the it contains assignment in marked column 2. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या ये तीन स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. अब हमें क्या करना है, मिनिमम अनमार्क्ड रो और मार्क कॉलम से लाइंस को ड्रॉ कर देना है. देखो मैं दोबारा से ये मैट्रिक्स बना रही हूं यहां पर. लाइंस ड्रॉ करने के लिए क्या करा है हमने, जो मेरे पास मार्क कॉलम है वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज माय मार्क कॉलम, और जिन रो पर जो अनमार्क्ड रो हैं, तो सेकंड रो इज अनमार्क्ड,
और कौन सी अनमार्क्ड है मेरे पास? ये वाली अनमार्क्ड है। लाइंस कहाँ पे ड्रॉ करी है हमने? मार्क्ड कॉलम एंड अनमार्क्ड रो। नाउ यू सी दैट कि हमने ये जो लाइंस ड्रॉ करी हैं, इस लाइंस पर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स के सारे जीरोस कवर हो रहे हैं। कैन यू चेक इट कि इन लाइंस पर सारे जीरोस कवर हो रहे हैं या कोई बच रहा है? ये जो मैंने तीन लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करी हैं, इज इट कवर्ड ऑल द जीरोस? प्लीज चेक। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? Is this clear or do I need to repeat it again? Please let me know. Am I audible? Yes, ma'am. Voice clear नहीं आ रही है क्या? Yes. Okay. Fine. So in the next step, जब ये lines draw जाएंगी, you just have to check कि जो भी lines हमने draw करी हैं, that must cover all the zeros appeared in the matrix. Now choose the smallest element among them. So smallest among all the uncovered elements. Jitne bhi elements ye jo uncovered hain, like 30, 35, 30, 15, 30, 35, 30, 20, jo lines par nahi hai, usme se mujhe sabse smallest element ko choose karna hai. So yahan par jo sabse smallest element hai among the uncovered element is 15. ओके, तो 15 को मुझे क्या करना है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल अनकवर्ड एलिमेंट इज इट 15. नाउ सब्ट्रैक्ट subtract from all the values, subtract from all the values and add add to all those values that lie at the intersection of lines. So aap is matrix mein dekho, मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है। इंटरसेक्शन लाइंस का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है? एक तो ये वाला पॉइंट मेरा लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, एक इंटरसेक्शन ये वाला है, ओनली टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर, राइट? तो 15 को इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो मुझे क्या कर देना है? एड कर देना है, और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से मेरे को 15 सब्ट्रैक्ट कर देना है।
I'm again repeating, after drawing the lines, choose the smallest element among the uncovered elements, add that element at the intersection point of the lines and subtract from all the other elements that doesn't lie over the line. So, अब next इसमें हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर 30 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 15, तो 15 इज हुआ, इट विल बी जीरो क्योंकि ये लाइन पर आ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है. 35 माइनस 15 इज 20, 30 माइनस 15 इज 15, 15 माइनस 15 इज 0. ये लाइंस पर है तो ये एज इट इज ही रहेगा. 0 बिकॉज इट लाई एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस, सो आई एम गोइंग टू एड 15 हियर. 15 को हमने ऐड कर दिया है, रेस्ट वैल्यूज विल बी सेम क्योंकि ये लाइंस पर आ रही है. जो लाइंस पर नहीं है उसमें से हमें 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस इज अगेन 15. नाउ 0, देन 20, 30 माइनस 15 इज 15 एंड 20 माइनस 15 इज 5. इन द फोर्थ रो दिस इज 0, दिस 0 लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, सो 15 मस्ट बी एडेड. Rest of the values will be same. So it's 20, 0 and 5. And in the last row, 15 ko subtract karna hai. So we will get 5. Ye line par aa rahi hai, to isme koi change nahi hoga. It will be 0. 25 minus 15 is 10. Then 0 and 0. अब हमें वापस से यहाँ पर क्या करना है, वापस से असाइनमेंट्स करने हैं. ये सारा का सारा जो प्रोसीजर करा गया है वो इसलिए करा गया है क्योंकि हमारे इस वाले जब हमने रो और कॉलम में सब्ट्रैक्ट करा था तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हुआ था. नाउ वी विल चेक आफ्टर डूइंग दिस क्या असाइनमेंट पॉसिबल है, और अगर नहीं होगा देन वी विल मेक फर्दर सम कैलकुलेशंस ओवर देयर. तो अभी इसको असाइन करने के लिए सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है. फर्स्ट रो में अगर हम देखें असाइनमेंट, तो सपोज कहीं पर भी आप कर सकते हो. मैंने सपोज यहाँ पर असाइन करा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इट विल बी कट आउट. ठीक है, क्योंकि इसमें यही असाइनमेंट हो सकता है. इन द नेक्स्ट प्लीज फ्यूचर माइक. इन द नेक्स्ट रो अगर मैंने यहाँ पर असाइन करा है, इसमें असाइनमेंट हो चुकी है तो ये सब कट हो जाएगा. यहाँ पर इसमें ये असाइनमेंट हो गई, नो अदर जीरो इज रिमेनिंग टू कट डाउन. इन द थर्ड रो अगर हमने यहाँ पर असाइन करा है तो दिस विल कट आउट, और इसके बाद अगर हमने यहाँ पर असाइन करा है देन इट विल बी कट आउट एंड द रिमेनिंग विल बी दिस. So, ये यहाँ पर था हमारे पास A B C D E एंड दिस इज टाउन्स A B C D E. तो A को हमने क्या असाइन करा है, E, B इज टू C, C ऑन B एंड D A एंड E आया है D पे. नाउ डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल करेगा, जस्ट एड डाउन द वैल्यूज गिवन ऑन दीज लोकेशन. यहाँ पर जो भी दे रखी है वैल्यूज, डिस्टेंस जो भी दे रखा है यहाँ पर इन द ओरिजिनल डेटा, सो यू जस्ट एड इट डाउन एंड फाइंड आउट द किलोमीटर्स. इज दिस ओके? Is this okay or any problem? Yes, ma'am.
असाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि हर रो और हर कॉलम में सिर्फ एक असाइनमेंट हो, नॉट मोर देन वन. सो देयर में ऑल्सो एग्जिस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑल्सो. ऐसी भी प्रॉब्लम्स होंगी कि जीरोज हमने कुछ और असाइन करा है तो उसका सॉल्यूशन कुछ और निकले, ठीक है. सो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. अभी किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. Yes, is this clear? Use your name. Navratri special, ठीक है. What's your name? Is this clear? Problem clear hai? Next problem pe proceed karein. Yes, ma'am. Okay. Next question is, next question is, ये problem दे रखी है. टू फोर सेवन थ्री. दिस इज अ प्रॉब्लम इन विच ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. And 3, 5, 8 and 5, 4, 6, 9, 8. ये मैट्रिक्स है इसकी प्रॉब्लम की. तो अगेन हमें असाइनमेंट ही करना है. तो प्रोसीजर इज अगेन सेम. सबसे पहले रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है. देन कॉलम में स्मॉलेस्ट देखना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. Look at the solution. I'm rewriting this matrix after subtracting the smallest element from the column. So smallest element here is 2. So it's 0, 1, 2 and 3. Smallest element is 4, 1, 2 and 3. This is 7 is the smallest, 1, 2 and 1, and in the last row 3 is the smallest, so it's 0, 2, and this one is 5 and 1. So this is the matrix which is obtained after subtracting the smallest element from each row. Now again the procedure repeated for the column.
तो कॉलम में अब आप देखो स्मॉलेस्ट कितना है, दिस इज जीरो, सो इट विल बी सेम, वन इज द स्मॉलेस्ट, सो इट्स जीरो 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 एंड दिस इज वन, टू इज द स्मॉलेस्ट, सो जीरो 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 एंड थ्री, अगेन दिस वन इज द स्मॉलेस्ट, सो टू टू जीरो जीरो. नाउ मेक द असाइनमेंट्स. तो असाइनमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी जीरोज भी आ गई हैं. तो लेट्स सी, सबसे पहले उस रो को छोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, इसको भी मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि इसमें भी तीन असाइनमेंट हो रही हैं, इसमें चार हो रही हैं, इसमें दो हो रही हैं. तो मैंने अभी रो वाइज असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं. लुक एट द कॉलम जहाँ पर हमें सिंगल असाइनमेंट मिले. तो कॉलम में भी आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट मेरे को नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर चार असाइनमेंट, चारों की चारों जीरो हैं, यहाँ पे तीन जीरो हैं, मल्टीपल जीरोज आ रही हैं. तो हम क्या करेंगे, रेंडमली एक असाइनमेंट ऑप्ट कर देंगे. तो सपोज मैंने इस, सपोज इस कॉलम में या रो में कहीं पर भी आप एक असाइनमेंट कर लो. अगर मैंने यहाँ पर सपोज असाइनमेंट करी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब कट हो जाएगा क्योंकि उस रो या उस कॉलम में सिर्फ एक ही असाइनमेंट हो सकती है. ओके, असाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो रो और कॉलम में एक ही बार असाइन करा जाए. तो ये कट हो गया. नाउ अभी इसमें वापस से असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर दो जीरोज हैं, यहाँ पर तीन जीरोज हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी तीन हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं. तो अभी वापस से मैं एक रैंडमली ऑप्ट कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने रैंडमली ऑप्ट कर लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई एम कटिंग डाउन ऑल द अदर जीरोज, ये भी मैंने कट कर दिया. तो अब यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं इसको असाइन कर दूं या तो मैं इसको असाइन कर दूं. तो अगर मैं इसको असाइन कर देती हूँ तो ये कट हो जाएगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा. तो यहाँ पर जो असाइनमेंट हो रही है वो आर्बिट्ररी जीरोस को कंसिडर करके असाइनमेंट कर रहे हैं. तो इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स में ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. अगर आप किसी और जीरो को कट कर देते तो असाइनमेंट किसी और तरीके से होता. That's why the alternate solution exists in case for the assignment problem sometimes. यहाँ पर हम first को जो assigned कर रहे हैं, that is assigned over the three. This is first, second, third and fourth. So first assigned to three, second assigned to, this is two, and third assigned to fourth. And fourth one is assigned to first. So other optimal assignments also possible in that case. Other, please check ki aur kaun sa assignment, but uski cost kya hai? Cost jo aayegi wo 20 hi aayegi har taraf se. Other optimal assignments also possible. But each having cost, अगर हम सारी values को add कर देंगे, each having cost is 20, जो कि you can check it. तो किसी और तरीके का assignment भी आप इसको करके देख सकते हो. Is this okay? Is this clear? Yes, ma'am. अब इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. मतलब कि अगर मैट्रिक्स मुझे स्क्वायर नहीं दे रखी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर डिफरेंट समटाइम्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक डमी रो और डमी कॉलम वट एवर इज रिक्वायर्ड वो हम एड करेंगे एंड देन फॉलो द सेम प्रोसेस आर अडॉप्टेड. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंड यू जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ कि उसको हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन इस तरीके का होगा अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, इट मींस it states that if the cost matrix jo given hai hame, if the cost matrix
of an assignment problem is not a square matrix. अभी तक आप देख रहे हो सारी की सारी जितने भी हमने यहाँ पर मैट्रिसेस लिए बहुत आर द स्क्वायर मैट्रिक्स मीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इक्वल है. तो इन दैट टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर ऑफ सोर्सेस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट. ये कंडीशन यहाँ पर होगी. सो सबसे पहले तो मुझे उसको बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो बैलेंस्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी मैट्रिक्स डमी रो डमी कॉलम को ऐड कर देंगे और उस डमी रो या डमी कॉलम में जितनी भी कॉस्ट होंगी बोथ विल बी ऑल वैल्यूज विल बी जीरो. तो जैसे सपोज ये यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम दी है, ये दिया हुआ है, मशीन्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5 और जॉब्स के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा डेटा दे रखा है. दिस इज 6, एक और है 6. सो दिस इज 2.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 and 5.0, 5.0, 6.5, 7.0, 7.0, 1, 1.5, 2.0, 2.0, 3.0, 5.0. This is 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 9 and 10 and this is 1, 3, 3, 4.5, 6 and 6. इस प्रॉब्लम में आप देखोगे यहाँ पे मशीन 6 दी हुई है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ 5 ही जॉब्स रिक्वायर है. तो इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक यहाँ पर कॉलम की रिक्वायरमेंट है विच इज डमी कॉलम. तो डमी कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, सारी की सारी जीरोस असाइन कर देंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू द बैलेंस्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व द सेम प्रोसीजर, वही मिनिमम रो मिनिमम एलिमेंट इन द रो एंड मिनिमम एलिमेंट इन द कॉलम एंड देन सॉल्व इट. सो यू जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ. ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. इसमें एक तरीके की प्रॉब्लम और बचती है and that is the maximum problem, maximum type of problem. So maximum problem जब given होती है तो हम पहले उसको minimum में convert करते हैं. Minimum में convert करने के लिए जो उसमें सबसे largest element होता है उससे सारे elements को subtract कर देते हैं. तो एक तरीके की problem हो रहा है जिसे हम next class में करेंगे. ठीक है, till then आप ये वाली problem complete कर लो and try to solve the problems, maximum number of problems. Any problem, please write down your attendance. The last minute session is going to break.